ये बाजार में दूर दूर से आदमी आता है। हाँ, काफी फेमस बाजार है ना। साइको हुआ, हेमरोम हुआ, अच्छा आपका बिरबाकी हुआ, आपका अड़की से आया, अच्छा बहुत दूर दूर से आता है। तो भाई हमारे कान में उड़ते उड़ते खबर आई कि कहीं पे जो है एक बाजार लगता है और उस बाजार में जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉनवेज वगैरह बनाकर बहुत ही सस्ते रेट में खिलाया जाता है। तो बस फिर क्या था, हम जो है निकल चुके हैं घर से और फिलहाल जो है पहुंच चुके हैं उस बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी हम आए हुए कहाँ पे हैं। तो अभी हम आए हुए तमाड़ बाजार में, जो कि रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरे पीछे जो है आप रास्ता देख रहे हो ना, यहीं से जो है बाजार लगना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक गली जहाँ पे लगता है आपका मेन मार्केट। और यहाँ पर गाइस हम आपको पहुँचने के लिए गूगल मैप का लिंक भी देंगे, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आना कैसे वो तो हमने आपको बता दिया। अब जो फिलहाल हम आ चुके हैं बाजार के अंदर, तो ये बाजार जो देख रहे हो ना आप, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बाजार है पूरा एकदम। लोग जो यहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो ना आप, यहाँ पैर रखने का जगह नहीं है। और देख कर काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे होटल भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे तरह तरह का देसी मिठाई, गुलगुल्ला और बहुत कुछ जो है मिल रहा है। यहाँ पे है दांत मजबूत करने का दतमन वगैरह भी। इस साइड पे देखो, यहाँ पे भी जो है दतमन वगैरह काफ़ी अच्छा सा लगा हुआ है। कैसे दे रहे हैं मुट्ठा दतमन? 10 रुपये मुट्ठा है ये दतमन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देख लो, यहाँ पे साग सब्जी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे भरा हुआ। नींबू कैसे दे रहे दादा? ये देख लो, यहाँ पे नींबू का रेट थोड़ा सा सस्ता ही है, सब एक तरह से 20 रुपये का 3 मिल जा रहा है। और साइज काफी बड़ा बड़ा सा नींबू का है। और इधर पे भी साग सब्जी भरा हुआ है। उस साइड पे जो है हमारे को दिख रहा है अपने मतलब का चीज, तो अभी जो है हम आपको उस साइड पे एक बार लेके चलते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे नॉन वेज का मेला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मछली वगैरह। तो यहाँ पे जो है घोंगी है, कैसे दे रहे हैं घोंगी? 45 रुपये, 50 रुपये पौआ। अच्छा, बना के मतलब खोली हटा के? ओके। और ये क्या है, घोंगी तो है और ये सिपुआ है। ये सिपुआ है, ये कैसे देते हैं? 40 रुपये। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है बाजार में फर्स्ट टाइम देखे। घोंगी तो बहुत जगह हमने देखा है, सिपुआ पहली बार देखा हमने। और यहाँ पे देखो मछली पूरा एकदम चकाचक साफ सुथरा मछली, कैसे दे रहे काका मछली? 200 रुपये किलो, एकदम सालच जिंदा जिंदा सारा मछली वगैरह है। यहाँ पे भी मछली है, इधर पे भी घोंगी, घोंगी के बाद इधर पे जो है सिपुआ। ये यहाँ पे भी जो सिपुआ मिल जाएगा, कैसे है सिपुआ आंटी? सिपुआ कैसे है? 40 रुपये। तो यहाँ पे एक चीज नया देखने को मिला, मछली बहुत बढ़िया, मतलब फिश का भी काफी बढ़िया सा ये मार्केट है। यहाँ से लेके पूरा इस साइड पे भी देखो मछली बिक रहा है। सो गाइस हमने जो है आपको इस साइड पे दिखाया कि मछली काफी बढ़िया बढ़िया सा मिल रहा है। और अभी हम आ चुके हैं मुर्गे के मार्केट में। और ये देख लो, चारों तरफ जो है मुर्गा का दुकान लगा हुआ है, लोग बढ़िया से मुर्गा वगैरह बेच रहे। और यहाँ पे एक चीज पता है क्या, साफ सफाई बहुत है, एक नंबर, मतलब मक्खी आपको ना के बराबर मिल रहा है। और सारा कुछ बढ़िया से सजा के रखा हुआ है। लेग पीस देख लो आप, सीना का पीस देख लो, सब कुछ, डेना का पीस, डेना का पीस भी अलग करके रखे है ना, विंग्स। ओके, और यहाँ पे जो है एक भैया है जो इस बाजार में मुर्गा का दुकान लगाते हैं ना। तो भैया स्वागत है आपको हमारे चैनल पे, क्या नाम है आपका? चंदन सर। और ये बाजार के बारे में कुछ बताएंगे, किस दिन बाजार? हम लोग का बम्फर बाजार है। कौन से दिन बाजार लगता है? शनिचर मंगलवार। कितने बजे बाजार चालू जाता होगा? सुबह से। सुबह से कितने बजे तक रहता है आपको? 7 बजे तक। 8 बजे मतलब अंधेरा होने तक बाजार रहता है। हाँ। कितना पुराना बाजार है, कुछ आइडिया? ये तो हम जन्म नहीं लिए थे उससे पहले का बाजार। आपके जन्म से पहले का? हाँ। आप कितना साल से दुकान लगा रहे हैं? मेरा होगा 20 साल। 20 साल से आप लगा रहे हैं? अरे वाह, मतलब काफी पुराना सा बाजार है। बड़ा बाजार कौन सा दिन लगता है भैया? शनिचर को। शनिचर को बड़ा बाजार लगता है। और आज मंगलवार तो थोड़ा छोटा लगता है, पर फिर भी भीड़ बहुत है। भीड़ तो आज उसका नहीं है, मतलब और शनिवार को ज्यादा रहता है। हाँ, शनिवार को ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो है चिकन क्या भाव बेच रहे हैं आप? 200 रुपए कटा हुआ। हाँ। तो ये देख लो, यहाँ पे जो है 200 रुपए जो है चिकन काट के दे रहे। तो क्या करते हैं ना, अपने यही से चिकन ले लेते हैं भैया के पास। भैया हमको आधा किलो चिकन दे दीजिए आप, चिकन। तो ये चेक करो, यहाँ पे जो है अपने आधा किलो चिकन ले ले रहे। और यहाँ पे लेग पीस ले लिया हमने, और सीना वाला पीस भी दे दिया गया है। और वजन हो गया, और अब जो है इसका कटिंग चल रहा है। ये बाजार में दूर दूर से आदमी आता है। हाँ, काफी फेमस बाजार है ना। साइको हुआ, हेमरोम हुआ,
अच्छा, आपका बीर बाकी हुआ, आपका अड़की से आया। अच्छा, बहुत दूर दूर से आता है, मुड़देरी हुआ। अच्छा, इधर आपका ऊंचाई हुआ, मतलब अगल बगल का जितना दूर दूर का नाम है सब आता है। केड़ाईडी हुआ, सालगाड़ी हुआ। वाह वाह, तो ये देखिए खसी बातचीत के दौरान भैया ने मुर्गा काट भी दिया फटाफट, और अब जो ये जाने वाला प्लास्टिक। तो गाइस, उस साइड से हमने चिकन खरीद के अभी जो है आ चुके हैं फिलहाल यहाँ पे। और गाइस, अब जो है अपना चिकन बनने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। और ये देख लो, कढ़ाई गर्म हो चुका है, डाल दिया गया सरसों का तेल। अब क्या डाले भैया सबसे पहले? प्याज। प्याज और मिर्ची। ओके, ये चेक करो, यहाँ पे प्याज और मिर्चा डाल दिया गया। और सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे से पूछ लिया गया कि आपको तीखा का लेवल कैसा चाहिए। और यहाँ पे गाइस, प्याज डालने के बाद साथ में मिर्चा भी था, और उसके बाद देखो काफी अच्छे तरीके से जो इसको भुना जा रहा है। कितना देर इसको भुनेंगे भैया? अभी 10 मिनट। ओके, तो ये चेक करो, अभी जो यहाँ पे 10 मिनट भुनना है। प्याज थोड़ा और डाल देंगे क्या? तो गाइस, यहाँ पे जो है प्याज का कलर देख लो, काफी बढ़िया तरीके से चेंज हो चुका है। और अब जो इसमें डाला जा रहा है कटा हुआ चिकन। तो ये देख लो, यहाँ पे जो है चिकन अभी डाल दिया गया है। और चिकन डालने के बाद प्याज के साथ इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो अभी मिलाया जा रहा है। और ये चेक करो यहाँ पे, तो चिकन अभी डाले हैं। कितना देर अभी इसको ऐसे ही भुनेंगे भैया चिकन डालने के बाद? चिकन डालने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं हल्का सा। अच्छा, अभी तुरंत नमक जा रहा है ना? हाँ। ये देख लो, तो गाइस यहाँ पे जो है अभी नमक डाल दिया गया है। और मसाला अभी जाएगा कि अभी नहीं? बाद में, अभी पहले फ्राई होने गई। अच्छा, पहले फ्राई करेंगे। कितना टाइम लगता है इसको फ्राई करने में? ऐसे 2 मिनट सर। 2 मिनट में हो जाएगा है ना? तो भाई, जब तक जो है अपना चिकन इस साइड में फ्राई हो रहा है, थोड़ा बहुत जो है रेट वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? अमित मुंडा सर। और ये जो है चिकन वगैरह भूनने का क्या रेट लेते हैं? 100 रुपए केजी। 100 रुपए किलो चिकन भूनते हैं। कोई आधा किलो लाता है तो क्या भाव पड़ता है? 50 रुपए। 50 रुपए। खस्सी भी भूनते हैं? खस्सी कितना लेते हैं? कैसे? 160 रुपए। 160 रुपए किलो। मछली का भी करते हैं? मछली कैसे भूनते हैं? 100 रुपए। 100 रुपए, मतलब चिकन और मछली का रेट एक है ना? और खस्सी का 160 लेते हैं। ओके, तो गाइज रेट जो है हमेशा जो बाजार में लगता है वही रेट है यहाँ पे, काफी जेन्युइन सा। और ये देख लो, यहाँ पे ढक्कन जो है अभी लगा दिया गया है। तो गाइज ये चेक कर लो, यहाँ पे जो है करीबन 10 मिनट बाद ढक्कन हटाया गया। और ढक्कन हटा उसके बाद ये चेक कर लो, चिकन जो है काफी अच्छे तरीके से भून चुका है। कलर वगैरह बढ़िया तरीके से चेंज हो गया, मतलब लाल लाल जो चिट्टी होता है ना वो चिकन के ऊपर बढ़िया तरीके से आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो है चिकन का कलर तो काफी अच्छे तरीके से चेंज ही हो चुका है। अब इसमें मसाला डालने का टाइम आ चला है, तो ये चेक कर लो। सबसे पहले जो हल्दी पाउडर डालने के बाद अब क्या डाल रहे भैया? मिर्ची पाउडर। मिर्च पाउडर, तो ये चेक कर लो गाइस, यहाँ पे अब डाला जा रहा है इसमें मिर्चा का पाउडर, मिक्स मसाला। ओके, तो ये चेक कर लो गाइस, यहाँ पे मिक्स मसाला डाल दिया गया अच्छे क्वांटिटी में। और अब क्या जा रहा है भैया? अच्छा, इस बर्तन में क्या है? घोल है, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा, गुल्की, अदरक सब कुछ है। अच्छा, इसमें सारा मसाला मिक्स है? हाँ। वाह जी वाह, डाल दीजिए। ये घर से पीस के लाते हैं? घर से पीस के लाते हैं। जब लाते हैं सुबह तो पूरा भरा रहता होगा? हाँ, पूरा भरा होता है। ये देख लो, तो यहाँ पे काफी अच्छे क्वांटिटी में इसको डाल दिया गया। और ये जो पेस्ट डाला है इसी से मेन लगता है स्वाद आता होगा, है नी? हाँ। चिकन वगैरह में। तो ये देख लो, यहाँ पे जो है इसमें मसाला डाला गया। और मसाला डालने के बाद भाई साहब सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रांग खुशबू ना लहसुन का आ रहा है। लहसुन थोड़ा ज्यादा रहता है डाला है इसमें। ये देख लो, यहाँ पे पूरा मसाला डालने के बाद चिकन में जो है मिलने के बाद पूरा कलर जो है चिकन का काफी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। और इसको लगातार जो है भैया भुने जा रहे हैं। मसाला डल चुका है, अब कितना देर भुनाएगा भैया? ये 1 मिनट में भुना जाएगा। अच्छा, मतलब कि रेडी हो जाएगा? उसके बाद फिर पानी डालेंगे। अच्छा, पानी भी जाएगा इसमें? ओके, तो ये चेक कर लो, सारा मसाला मिलने के बाद अभी जो इसको छोड़ दिया गया। मसाला भुनाएगा अभी ना? अच्छा, अब मसाला भुनाएगा? हाँ, मसाला भुना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गाइस इनका भुनने का तरीका मेरे को काफी बढ़िया सा लगा है। और मसाला वगैरह भी जो सारा कुछ बढ़िया तरीके से डालते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मसाला डालने के बाद काफी बढ़िया तरीके से भुना गया, और मसाला भी पूरे तरीके से पक चुका है ना भैया? हाँ। अब क्या डालने वाले? पानी डालने वाले। ओके, डाल दीजिए। तो ये चेक कर लो, यहाँ पे पानी डाल दिया गया है, और पानी भी जो है अच्छे मात्रा में यहाँ पे डाला गया। आप थोड़ा लटपट चाहिए हमको भैया? ठीक है, सूखा सूखा।
तो गाइस पानी डाला, पानी डालने के बाद जो है ये देख रहे पे रंगत बहुत बढ़िया सा रंगत आ चुका है। आप क्या डाल रहे भैया? चिकन मसाला। और ये देख लो, तो यहाँ पे जो है फाइनल मसाला हो गया ना। इसके बाद धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ता काट के डालेंगे रेडी। ये देख लो यहाँ पे जो है मसाला डल चुका है। डलने के बाद मसाला का खुशबू बहुत बेहतरीन सा निकल के आ रहा है। और मैं सच्ची बताऊ ना आपको, यहाँ पे तो चिकन का रंगत आप देखो जो कलर आया है ना वो बहुत बढ़िया सा यहाँ पे लग रहा है। और गाइस यहाँ पे जो है धनिया पत्ता इसके ऊपर डल चुका है और चिकन हो चुका है हमारा रेडी। सुंदर देखो कितना ज्यादा दिख रहा है ये। अब क्या करना है, फटाफट इसको पत्ते पे लगवाते हैं, करते हैं, बताते हैं आपको कि स्वाद कैसा लग रहा है इसका। तो गाइस यहाँ पे जो है फाइनली चिकन भून के काफी बढ़िया तरीके से हमारे को यहाँ पे पत्ते पे मिल चुका है। बिल्कुल देसी सा अंदाज है, खुशबू जो है बहुत बढ़िया सा मसालों का निकल के आ रहा है। पीसेस जो है काफी छोटा छोटा सा ही काटा गया है जिसके कारण क्या फटाफट जो है चिकन अपना बन के रेडी हो गया है। तो मेरे मुंह में पानी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, खाने का मन अभी से ही कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार चेक करा देते हैं कि किस हिसाब से पका हुआ है, कैसा इसका रंगत वगैरह दिख रहा है। तो थोड़ा सा पास आइए, तो ये चेक करो गाइस, यहाँ पे चिकन बहुत बेहतरीन तरीके से सकुआ का एकदम नया पत्ता पे मिला है। और चिकन वगैरह की बात करें तो ये देख लो रंगत पूरा ड्राई ड्राई हमने रखवाया है इसको। पीसेस वगैरह बिल्कुल मतलब छूने से पता चल रहा है मक्खन के जैसा गल चुका है। रोगन वगैरह देख लो यहाँ पे, तेल मसाला कोई चीज़ में कोई कंजूसी नहीं किया गया, बढ़िया से डाला गया और है बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है। पीसेस बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम माउथ वाटरिंग सा। ये देखो पीस देख रहे हो कितना बढ़िया सा है, ये चेक करो। और अब जो है ना एक बार चिकन को दबाते हैं, ये देखो बहुत बढ़िया, मतलब कैसे हमने दबाया चिकन टूट जा रहा है, मतलब चिकन पक बहुत बढ़िया तरीके से गया। और एक पीस लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है, ये देखो देख रहा चिकन मतलब एकदम चिकन जूसी भी है। ऐसा नहीं कि तेज आंच पे बनाया गया भून के जो सुखा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरा चाली चाली टाइप का टूट रहा है। ग्रेवी जो है थोड़ा बहुत हल्का फल्का मसाला जो है इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये मसाला देख रहा हूँ पूरा एकदम बढ़िया सा गर्मा गर्म। तो गाइस हमने जो है इसका आपको नजारा दिया कि हिसाब से पका हुआ है कैसा दिख रहा है। तो अब जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मसाला मेरा हाथ पूरा सना हुआ है, तो पहले इसी को चाटते हैं। मसाले से स्टार्ट करते हैं, मसाला का सारा मतलब जितना कुछ इसमें पड़ा है ना सभी का फ्लेवर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। लहसुन बहुत बढ़िया था, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर, काफी तीखा थोड़ा सा ज्यादा है। वो हमने ही बोला था भैया को कि मिर्चा थोड़ा ज्यादा डाल दो, लाल मिर्च जो है सूखा नहीं डाला गया, हरा मिर्च इनका तीखा वाला, मतलब खा के मजा सा आ रहा है, पूरा चटपटा सा फ्लेवर है। अब जो है ना एक चिकन का पीस उठाते हैं, तो ये रहा नहीं बिना हड्डी वाला उठाते तो खा के मजा है, कहाँ गया बिना हड्डी वाला पीस। ये देखो तो यहाँ से बिना हड्डी वाला पीस मसाला लपेट के बहुत बढ़िया पका हुआ मसाला, जो इनका घर से पिसा हुआ लाया गया था जो लिक्विड फॉर्म में था वो मेन कमाल कर गया, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा इसमें खुल के आया है। और ऐसा बोल सकते हैं ना कि जितने भी बाजार में हमने आज तक चिकन वगैरह भुंजवा के इस तरह से खाया, और उनमें से जो मेरा पसंदीदा बाजार में जो चिकन बनता है ये उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि भुना बहुत बढ़िया तरीके से गया है। चिकन भी बढ़िया क्वालिटी का है, मतलब होता है ना कि अगर आप ब्रेस्ट वाला पीस लोगे ना तो थोड़ा चिमट चिमट टाइप का होता है, बिल्कुल ये वाला वैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन, मतलब कि 60 किलोमीटर आके मुर्गा भुंजवा के खाना जो है ना हमारा सफल हुआ। रेट भी काफ़ी जेन्युइन सा है, चिकन का रेट जो है मार्केट में वही रेट है।
इसके साथ रोटी रहता ना, मजा आता बहुत ज्यादा। बहुत बेहतरीन। तो गाइस हम तो यहाँ पे चिकन का जायका ले ही रहे हैं, और हमारे साथ एक भाई जो कि यहाँ के लोकल है, और इन्होंने जो है मेरे को रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो भाई एक बार अपना नाम बताओ। मेरा नाम धनंजय है। और आपका घर कहाँ पे है? यहाँ पे जो चिकन बनाया मेरे को तो स्वाद बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो हमारा टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। अपना जो है फाइनल फीडबैक यहाँ के बने चिकन को लेकर और इस बाजार को लेकर यही है कि जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया, रीजनेबल रेट, सुपर टेस्टी चिकन। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस तरह का देसी तरीके से बना हुआ सस्ता और स्वादिष्ट चिकन खाना चाहते हो तो एक बार इस बाजार में आओ। और यहाँ पे अमित भाई के पास बहुत बढ़िया तरीके से खुल के दिया जाता है। पत्ते में थोड़ा बहुत चिकन बचा है, करेंगे इसको ख़त्म, वीडियो को करेंगे यहीं पे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी तरह के गांव भर के वीडियो लाते रहते हैं। मिलता है कल कुछ कहीं और कुछ नया लेके, तब तक बाय।